हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ओडिशा जॉब साटा चैनल को आपन समस्त को स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज आसतु आलोचना करिबा एप्रिल मास रे आसीथिबा 8टी बड़ सरकारी नियुक्ति विषय रे। तो आपन मानकर देखिनियंतु कोन सब पोस्ट रहीछि 8टी, जेहेतु आपन मानकर सरकारी नियुक्ति इन्फॉर्मेशन आसीछि। तो से सब गुडी आपन मानकर पोस्ट कोन रहीछि, क्वालिफिकेशन सब एलिजिबल क्राइटेरिया कोन रहइबो, सिलेक्शन प्रोसीजर सब कोन रहइबो, सैलरी कोन सब आपन माने पाइबे, प्लेस ऑफ पोस्टिंग केउठ रहइबो, एज लिमिट, जहाँ भी सब डिटेल्स रहीछि मु आपन मानको एही वीडियो सेसरे स्टेप बाय स्टेप कहिबी। यह सहित आपर आप्लायर प्रोसेस कौन रही स्टेप बाय स्टेप आपको जनइबी। से आपड़ोट को प्रथम शेष जाए भल भाव में देखनी। यह पूर्व जदि चैनल टी न्यू विजिट कर सब्सक्राइब करना तो यथाशीघ्र ही सब्सक्राइब करनी, कहीं आपको यही जॉब रो नोटिफिकेशन यथाशीघ्र ही मिल जाव। तो फ्रेंड्स, आसतु डेरी न करी आलोचना करने कौन सब रही 8टी सरकारी नियुक्ति, तो पोस्ट कौन रही, आपण मानक अप्लाई प्रोसेस कौन रही, ऑफिशियल पीडीएफ किपर डाउनलोड करेंगे, से सब विषय में आप। तो देखनी प्रथम जॉब विषय आलोचना करवा कौन रही पोस्ट नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, आपर डिटेल्स कौन रही। तो देखनी ऑर्गेनाइजेशन नेम आपर रही ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ओ डब्ल्यूएससी तरफ। हु कैन अप्लाई एथेर अल अर्थ कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे। जेंडर टी आपर बहुत मेल एंड फिमेल उभय महिला पुरुष मैंने आवेदन करेंगे। टोटल पोस्ट आपर 600 प्लस 600 प्लस पोस्ट आपर वैकेंसी रही। सैलरी आपर 18,000 टू आरंभ कर 56,900 पर्यंत आपने सैलरी पाइपरेंगे। यापर नेक्स्ट देखते जॉब टाइप तो आपर गवर्नमेंट जॉब ही रही। तो पोस्ट नेम कौन रही देखने आसतु। तो पोस्ट नेम आपर अमीन पर रही, केयरटेकर आयुर्वेदिक असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट वैकेंसी रही। आपर चारोटी वैकेंसी रही, डिफरेंट पोस्ट रही, आपर क्वालिफिकेशन रही, आपने जो पोस्ट को एलिजिबल होती आवेदन करेंगे। तो क्वालिफिकेशन कौन रही पोस्ट गुड़ी देखनी। प्रथम आपर रही देखनी 10 प्लस टू जब आप पास कर नहीं तेज आपने पोस्ट को आवेदन करेंगे, किंवा आपर प्लस टू रही तो भी आपने आवेदन करेंगे। जदि आपमिन आवेदन करते आपर 10 प्लस टू रही, जदि अन्न किसी पोस्ट में आवेदन करपर डिफरेंट सब स्ट्रीम रोज जपर कि वोकेशनल जहाँ भी सब सब्जेक्ट रिलेटेड थी। जदि आपमिन आवेदन करेंगे तेज आर्ट्स साइंस कमर्स अलग किसी जब जब ट्राई करेकोसी स्ट्रीम रही आपण मैंने आवेदन करेंगे। यह सहित ओडिया लांगुएज प्रॉपर्ली आपर टे नलेज रही आवश्यक। नेक्स्ट आसतु एप्लीकेशन फीस कौन रही अमीन पोस्ट आपर टेक्निकल असिस्टेंट आयुर्वेदिक असिस्टेंट कौन रही। तो देखनी किसी एप्लीकेशन फीस आपको पे करार आवश्यक नहीं, आपने संपूर्ण रूप से समस्त कैटेगोरी कैंडिडेट आवेदन करेंगे मागणारे। यापर एज लिमिट कौन रही देखने, तो देखनी 18 रु 38 जब आपर एज रोचे मिनिमम आपर 18 मैक्सिमम जब 38 एज लिमिट रोचे तेज आपने आवेदन करेंगे पोस्ट को एलिजिबल होते हैं। आपर यूआर कैटेगरी आपर एज लिमिट जब आपर ओबीसी एसएससी एसटी एक्स सर्विसमैन अदर कैटेगरी रोचे तो आपर एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल आपको मिल जाए। नेक्स्ट आसतु सिलेक्शन प्रोसेस कौन रही देखने, तो सिलेक्शन प्रोसेस देखने आपको रिटर्न एग्जामिनेशन फेस करने पड़ो। यापर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस रही, तो रिटर्न एग्जामिनेशन आपर जेहेतु रही जहाँ भी पैटर्न रही सिलेबस रही आपको वीडियो शेषर डिटेल्स कहीदेवी। यापर आपर डीवी रही, तो डीवी आपको कौन कौन सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर रही आसतु से विषय में कहबी। तो देखनी प्रथम ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट 10 प्लस टू और प्लस टू आपर जो स्ट्रीम रही से सबूर सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपर रिसेंट कलरफुल साइज फोटो स्कैन होता सिग्नेचर आईडी कार्ड आप आधार कार्ड वोटर कार्ड किंबा पैन कार्ड को व्यवहार करेंगे। एप्लीकेशन मोड आपर ऑनलाइन रही, ऑनलाइन रे अमीन पोस्ट कि असिस्टेंट पोस्ट आवेदन करेंगे। आपने किपर आवेदन करेंगे अप्लाई प्रोसेस आपको वीडियो शेष में कहीदेवी। तो देखनी नेक्स्ट सेकेंड जॉब विषय में आलोचना करवा कौन रही, तो देखनी ऑल एड सेकेंडेड्स आवेदन करेंगे। हु कैन अप्लाई, जेंडर आपर बहुत मेल एंड फीमेल रही, सैलरी आपर 25,500 टू 112,400 पर्यंत आपण पाइपरेंगे जेहेतु डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट रही। जॉब टाइप आपर गवर्नमेंट जॉब ही रही। पोस्ट नेम देखनी कौन कौन रही, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट रही डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ पर, जूनियर असिस्टेंट, स्टोर कीपर, कुक रही आपर वैकेंसी, सहित अकाउंटेंट, सोशल वर्कर, वर्कशॉप सुपरवाइजर, तो यही आपर 7 रु 8 आप डिफरेंट पोस्ट रही आपर क्वालिफिकेशन हिसाब से जेकोसी गोटे पोस्ट को आवेदन करेंगे। तो क्वालिफिकेशन आपर देखनी 10 प्लस आपर रोचे जेकोसी स्ट्रीम रही आपने आवेदन करेंगे। नेक्स्ट आसतु आलोचना करवा
एज लिमिट कौन रही है तो देखनी आप मिनिमम एज 18 रही है मैक्सिमम जब 30 होती है तेज आप पोस्ट को आवेदन करेंगे या सहित अदर बैकवर्ड कैटेगरी एज रिलैक्सेशन आपर रही जपरिक ओबीसी एससी एसटी फिजिकल हैंडिकैप्ड मानी केवल युआर कैटेगरी 18 रु 30 आपर एज लिमिट रही है। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस कौन रही है देखनी सिलेक्शन प्रोसेस आपर डाटा एंट्री ऑपरेटर आपर कुक हेल्पर पर जब आवेदन करते तो कुक हेल्पर पर एग्जामिनेशन रहा आपर केवल इंटरव्यू रहा सीधा सड़क सिलेक्शन पापर जब आपओ ये आपर पोस्ट आपदन करते आपर रिटर्न एग्जामिनेशन कंप्यूटर टेस्ट आपर इंटरव्यू रही तो यही तीनो द्वारा आपर सिलेक्शन कर। नेक्स्ट कौन सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर हम देखनी कहने भी आपदे तो ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट आवश्यक पड़ो फोटो रिसेंट कलरफुल साइज फोटो कास्ट सर्टिफिकेट गोटे आईडी प्रूफ आधार भोटर पैन कार्ड तीनोटे ऑप्शन अच्छे आपको गोटे को व्यवहार करेंगे। आप्लिकेशन मोड आपर ऑनलाइन रहा डीईओ ऑनलाइन आवेदन करेंगे ऑनलाइन प्रोसेस आपको कहबी आप्लाई डेट आपर ऑलरेडी स्टार्ट हो सारे जब आप इंटरेस्ट रखुच्च फ्रेंड्स यथाशीघ्र ही आपदन करनी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आसान तो तीन नंबर आपर जॉब जहाँकि रही डिटेल्स कहबी तो ऑर्गेनाइजेशन नेम आपर रही ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ओ ट्रिपल एससी तरफ हु कैन अप्लाई थ्रू ऑलरेडी सेकेंडरी आवेदन करेंगे जेन टू टाइप आपर बोथ मेल एंड फीमेल रही टोटल पोस्ट आपर 1516 वैकेंसी रही जॉब टाइप आपर गवर्नमेंट जॉब ही रहा पोस्ट नेम कौन रही देखनी विलेज एग्रीकल्चर वर्कर पर पोस्ट रही वीएडब्ल्यू पोस्ट पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपर देखनी 10 प्लस टू रही आप जब 10 प्लस टू टी कि प्लस टू टी आपस करते तेज पोस्ट को आवेदन करने को एलिजिबल हो जाते तो आप्लिकेसन फिज आपको किसी आप्लिकेसन फिज पे कर आवश्यक नहीं नो फिज फर अल कैटेगरीज कैंडिडेट्स रही आपने मगणार आवेदन करेंगे। फ्रेंड्स एज लिमिट कौन रही वीएडब्ल्यू पोस्ट में तो देखनी 21-38 रही आपर युआर कैटेगरी एज लिमिट ओबीसी एससी एसटी आपर फिजिकल हैंडिकैप एक्स सर्विसमैन एज रिलैक्सेशन आपरेंगे सिलेक्शन प्रोसेस आपर ऑफलाइन एग्जामिनेशन रहा एमसीक्यू क्वेश्चन रहा आपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर आपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस रही तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको आवेदन करने समय कौन कौन सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहा आसत कहबी ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट गुड़िक रिसेंट कलरफुल साइज फोटो आपर फोटो आवश्यक पड़ो स्कैन होता सिग्नेचर आईडी प्रूफ आपने आधार कार्ड वोटर कार्ड पैन कार्ड तीनोटी मध्य जेकोसी को व्यवहार करेंगे रेसीडेंट सर्टिफिकेट आपर सिलेक्शन ही आवश्यक पड़ो आवेदन करने समय आवश्यक पड़े ना। आप्लिकेसन मोड आपर अनलाइन रही तो आपलाइन किपर आवेदन करेंगे ऑफिशियल पीडीएफ किपर चेक करेंगे से सब विषय में आपको वीडियो शेष में डिटेल्स कहीदेवी सब पोस्टर आप्लाई प्रोसेस ऑफिशियल पीडीएफ किपर डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट आसतु 4 नंबर आपर 4 नंबर जॉब विषय में आपको कहबी तो ऑर्गेनाइजेशन नेम आपर ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ रही हु कैन अप्लाई इतना ऑल ओवर सेकेंडरी आवेदन करेंगे जेंडर टी आपर बोथ मेल एंड फीमेल रही टोटल पोस्ट आपर 250 प्लस रही सैलरी आपर लेवल 9 जहाँकि ग्रुप बी अंडर में सेल 1 लेवल 9 आपने सैलरी पापारे जॉब टाइप आपर गवर्नमेंट जॉब ही रही है। यापर नेक्स्ट आसतु पोस्ट नेम कौन रही देखने तो देखनी ए टीओ जहाँकि आसीस्टांट ट्रेनिंग ऑफिसर पोस्ट में आपर वैकेंसी रही जदि आपर क्वालिफिकेशन रही तो क्वालिफिकेशन कौन रही पोस्ट में देखनी 10 प्लस टू जब आपर रही जेकोसी स्ट्रीम रही है आर्ट्स साइंस कमर्स आपदन करेंगे या सहित ओडिया लांगुएजर टी प्रपर्ली नलेज रहा आवश्यक। आप्लिकेसन फिज आपको किसी पेमेंट करने पड़े ना सीधा सड़क आपने मगणारे अनलाइन आवेदन करेंगे। आप्लिकेसन फिज देखनी किसी आपको पेमेंट करने पड़े ना एज लिमिट आपर देखनी मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 38 रही या सहित आपर युआर कैटेगरी रही है तो यह आपर ओबीसी एससी एसटी एक्स सर्विसमैन आपर एज रिलैक्सेशन रही सिलेक्शन प्रोसेस आपर रिटर्न एग्जामिनेशन ही रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रही तो ऑल डिटेल्स आपने आगर भी तो ओएसएस जब प्रिपेयर होता सेम पैटर्न ही रही है जदि भी आपर किसी चेंज हो पारे किसी नोटिस आसनी तो आपने सेम सिलेबस प्रिपेयर हूँ तो आपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कहबी कौन सब सिलेबस रही। नेक्स्ट आसतु कौन सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़े देखने ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट मार्कशीट फोटो सिग्नेचर आईडी कार्ड यह सहित आपर आप्लिकेसन मोड ऑनलाइन रही ऑनलाइन रे आवेदन करेंगे निज निज मोबाइल रे कि निकटस्थ नेट जोन को जाकि आवेदन करेंगे।
एबर आसन्त आपमन को 5 नंबर जॉब विषय रे कहिबी तो ऑर्गेनाइजेशन आपमन को रही छे ओडिसा आदर्श विद्यालय तरफ रो जेंडर आपमन को बोथ मेल एंड फीमेल रही छे सैलरी आपमन को 18000 रो आरंभ करी 67000 पर्यंत आपमन को सैलरी पाई परबे टोटल पोस्ट आपमन को 1342 टी रही छे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट रही छे तो पोस्ट वाइज आपमन को सैलरी मध्ये डिफरेंट डिफरेंट रही दो तो पोस्ट नेम कौन रही देखनी तो पोस्ट नेम आपमन को प्रिंसिपल वैकेंसी रही टीचर आर्ट टीचर पीटी टीचर ओडिया मैथ टीचर पर रही सहित मेस हेल्पर पर रही कैटरिंग सुपरवाइजर कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर आपर लैब अटेंडेंट एमटीएस स्टाफ तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट रही आपर क्वालिफिकेशन वाइज आपने जो पोस्ट को इंटरेस्ट रखुंट गोटे पोस्ट को आवेदन करेंगे जदि आप मल्टीपल पोस्ट में आवेदन करने को चाहते तो डिफरेंट डिफरेंट आप्लिकेसन फर्म आपको फिल करने पड़ो तभी सेपरेट आप्लिकेसन फिम फिल करेंगे गोटे आप्लिकेसन फर्म में दुईट पोस्ट में आवेदन करेंगे ना। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन कौन रही है देखने तो 10+2 आपर जब आवेदन करफाई रोचे 10th और +3 तो आवेदन करेंगे जेको स्ट्रीम होते आर्ट साइंस कमर्स किसी असुविधा नहीं आपेदन करेंगे। आसतु एज लिमिट कौन रही है देखने तो एज लिमिट आपर 18-50 एज लिमिट रही मिनिमम 18 और मैक्सिमम 50 एज हो तेज आपेदन करेंगे। यूआर कैटेगोरी आपर रही 18-50 यह सहित आपर ओबीसी एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ट अतिरिक्त तो एज रिलैक्सेशन आपने तो सैलरी देखनी तो डिफरेंट पोस्ट में डिफरेंट सैलरी रही आपड़ी प्रिंसिपल आवेदन करेंगे तो 67700 सैलरी पापारे टीचर पोस्ट में 46700 रही मेस हेल्पर पर 18000 रही कैटरिंग सुपरवाइजर पर 25500 कंप्यूटर ऑपरेटर पर 35400 यह सहित लैब अटेंडेंट 18000 एमटीएस स्टाफ 18000 तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में डिफरेंट डिफरेंट आपर सैलरी रही। सिलेक्शन प्रोसेस देखने आपर रिटर्न एग्जामिनेशन एवं स्किल टेस्ट इंटरव्यू रही तीनो स्टेप द्वारा सिलेक्शन करा सहित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस रही जदि आपने रिटर्न एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करते तेज आपने पोस्ट पर सिलेक्शन पापारे तो कौन कौन सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में तो देखनी तो ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट और यार मार्कशीट गुड़िक 10th आपर +3 जाए जहाँ भी सर्टिफिकेट थी तो कलरफुल पासपोर्ट रिसेंट पासपोर्ट कास्ट सर्टिफिकेट आईडी कार्ड आवश्यक पड़ो। आप्लिकेशन मोड आपर ऑनलाइन रही अप्लाई डेट आपर ऑलरेडी स्टार्ट हो सारे तो आपर डिटेल्स मुझे वीडियो शेष आपको कहीदेवी। नेक्स्ट आसतु 6 नंबर जॉब विषय में कहबी तो ऑर्गेनाइजेशन आपर 6 नंबर रही जिला स्वास्थ्य समिति तरफ ZSS आपर रही हु कैन अप्लाई एथर ऑल आर सेकेंडरी आवेदन करेंगे जेंडर आपर बोथ मेल एंड फीमेल रही जॉब टाइप आपर ओडिशा गवर्नमेंट जॉब रही है सैलरी आपने 30000 पर मंथ सैलरी पापारे जहाँकि बहुत बढ़िया सैलरी रोचे जदि फ्रेंड्स आपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रे जॉब पे इंटरेस्ट रखुंट जिला स्वास्थ्य समिति अंडर में तो यथाशीघ्र ही आपने आवेदन करूँ। पोस्ट नेम रही आपको देखनी तो मेडिकल ऑफिसर पेडिट्रिशियन रही आपर डेंटल टेक्नीशियन रही मेडिकल ऑफिसर पर रही पेडियाट्रिशियन डेंटल टेक्नीशियन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फाइनेंस कम लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट एनआरसी काउंसलर पर तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट रही 6 पोस्ट आपर वैकेंसी रही आपर क्वालिफिकेशन हिसाब से आपने जो पोस्ट को इंटरेस्ट रखुंट आवेदन करेंगे आपने जो पोस्ट में प्रिपेयर होती तो नेक्स्ट आसतु आप्लिकेसन फिज तो आपको किसी पेमेंट करने पड़े ना आपने पोस्ट गुड़ी मागणार आवेदन करेंगे। एज लिमिट आपर 21-40 एज लिमिट रोचे जहाँकि यूआर कैटेगोरी रोचे ओबीसी एसएससी एससी एसटी फिजिकल कैटेगोरी हैंडीकैप्ट मानकर आपर देखनी तो एज रिलैक्सेशन पाइबे। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस आपर रिटर्न टेस्ट रहा 60 मार्क्स भाइबा भोको रहा 40 मार्क्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस रहा तो रिटर्न टेस्ट जब आप 60 मार्क्स रोचे भाइबा भोको 40 मार्क्स रोचे ऑल डिटेल्स आपने ऑफिशियल पीडीएफ रे पाइपरिबे तो आपने ऑफिशियल पीडीएफ किपरि डाउनलोड करेंगे मुझे वीडियो शेष में कहीदेवी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट और रिसेंट पासपोर्ट आईडी कार्ड का सर्टिफिकेट आवश्यक पड़ो। आप्लिकेशन मोड आपर ZSS ऑफलाइन रही मेडिकल ऑफिसर पर पेडियाट्रिशियन आपने डेंटल टेक्नीशियन जब इंटरेस्ट रखुंट तेज आपर ऑफलाइन आप्लिकेसन फर्म रहा डेट आपर ऑलरेडी स्टार्ट हो सारे यथाशीघ्र ही आपने आवेदन करनी पर नेक्स्ट विषय में आलोचना करने नेक्स्ट जॉब कौन रही तो पोस्ट नेम सॉरी फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन नेम रही नवोदय विद्यालय समिति जहाँकि NVS तरफ हु कैन अप्लाई ऑल आवर सेकेंडरी आवेदन करेंगे जेंडर टे बोथ मेल एंड फीमेल रही जॉब टाइप आपर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहा पोस्ट नेम कौन रही देखने तो लैब अटेंडेंट कम पीएन पोस्ट में वैकेंसी रही पूर्वर मैं आपको वीडियो में कही मल्टीटास्किंग स्टाफ जहाँकि एमटीएस रही जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट मेस हेल्पर स्टेनोग्राफर यहीपर आपर कंप्यूटर ऑपरेटर कैटरिंग सुपरवाइजर तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आपर रही।
तो फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट जेहतु रही है डिफरेंट पोस्ट में आपर डिफरेंट क्वालिफिकेशन रोचे मैक्सीम आपर मिनिमम जब 10th 12th आपर रोचे तेज आवेदन करेंगे जदि भी आपर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन अच्छी तेज आवेदन करेंगे जेकोसी स्ट्रीम रही किसी असुविधा ना तो डिफरेंट पोस्ट में सब कौन क्वालिफिकेशन रही देखी नि लैब अटेंडेंट कि पीओन आवेदन करते तो 10th पास रही क्वालिफिकेशन एमटीएस 10th पास जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट आपर 12th पास मेस हेल्पर पर 10th पास स्टेनोग्राफर पर आपर 12th पास यापर आपर रही कंप्यूटर ऑपरेटर पर ग्रेजुएशन पास और जब आपने कैटरिंग सुपरवाइजर करेंगे प्लस थ्री पास बाकी सब 10th 12th पास ही रही आपर क्वालिफिकेशन वाइज आपने जो पोस्ट को इंटरेस्ट रखुच्च आवेदन करेंगे तो सैलरी डिटेल्स मत आपको कहबी तो देखी निदी आपने स्टेनोग्राफर पर आवेदन करुँच तेज आपर पे लेवल 4 आपने सैलरी पापर 25,500 रु 21,100 जदि सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट करुँ तो लेवल 2 आपर 19,900 रु 63,200 सैलरी कंप्यूटर ऑपरेटर पर आपर 25,500 रु 21,100 लेवल 4 अंडर आपने सैलरी पापर आपने कैटरिंग सुपरवाइजर कर तो सेम सैलरी आपर लेवल 4 अंडर में पाए इलेक्ट्रीशियन कम प्लंबर पर आपर लेवल 2 आपर मैट्रिक्स रे लेवल 2 रो तो लैब अटेंड आपर रे लेवल 1 मैथ्स हेल्पर पर आपर पे लेवल 1 मल्टीटास्किंग पे लेवल 1 ही रहा तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्टर डिफरेंट डिफरेंट पे लेवल रही जो आवेदन करेंगे क्वालिफिकेशन एज लिमिट सैलरी डिटेल्स डिटेल्स सब चेक करेंगे नेक्स्ट आसतु एज लिमिट कौन रही है देखने तो एज लिमिट आपर 18 रु 40 रपर एज लिमिट तो यूआर कैटेगरी आपर जनरल रपर अदर बैकवर्ड कैटेगरी एज रिलैक्सेशन आपरेंगे नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस कौन रही है तो देखनी सिलेक्शन प्रोसेस आपर रिटर्न एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट इंटरव्यू रो तीनो स्टेप द्वारा आपर सिलेक्शन कर डिटेल्स मुझे ऑफिशियल पीडीएफ जितेबाला कहबी डिटेल्स जनईबी तो डॉक्यूमेंट आपर कौन सब रिक्वायर रहा है देखनी ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट मार मार्कशीट गुड़िक रिसेंट कलरफुल साइज फोटो कास्ट सर्टिफिकेट आईडी कार्ड एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन ही रहा अप्लाई डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो सारे यथाशीघ्र ही आवेदन करनी नेक्स्ट आसतु 8 नंबर जहाँ कि रही आपर जॉब तो कौन रही पोस्ट नेम ऑर्गेनाइजेशन नेम प्रथम आपको कहूँ तो आईपीबी इंडियन बैंक जो पोस्टल पेमेंट बैंक तरफ रही हु कैन अप्लाई थ्रो ऑल सेट कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे जेंडर आपर बोथ मेल एंड फीमेल सैलरी आपने 30,000 पर मंथ पापारे जॉब टाइप आपर गवर्नमेंट जॉब ही रहा नेक्स्ट आसतु आलोचना करवा पोस्ट नेम रही आपर एक्जुटिव वैकेंसी रही एज लिमिट आपर 21 रु 35 नॉर्मली जनरल कैटेगरी 21 रु 35 एज लिमिट मिनिमम मैक्सिमम र आपर ओबीसी एससी एसटी सर्विस मैन अतिरिक्त एज रिलैक्सेशन रही सिलेक्शन प्रोसेस आपर देखनी किसी मैं एग्जामिनेशन ना ही आपर आईपीपी जो पोस्टल पेमेंट बैंक तरफ रही तो मार्क बेसीस आपर सिलेक्शन रहापर आपर जब मार्क बेसीस भल परफॉर्मेंस रोचे तो ग्रुप डिस्कशन रहापर पर्सनल इंटरव्यू रही तीनो स्टेप द्वारा आपर सिलेक्शन कर तो कौन सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर हो ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट और मैं मार्कशीट गुड़ आवश्यक पड़ो फोटो आईडी कार्ड कास्ट सर्टिफिकेट सिग्नेचर आवश्यक पड़ो यापर आप्लिकेसन मोड आपर ऑनलाइन ही रही अप्लाई डेट आपर ऑलरेडी स्टार्ट हो सारे तो यथाशीघ्र ही आपेदन करनी तो फ्रेंड्स मुझे सर्ट नोटिस सर्ट इनफर्मेसन कहली 8 पोस्टर नेम कहली ऑर्गेनाइजेशन नेम कहली तो से सब पोस्ट गुड़िक किपर आवेदन करेंगे ऑफिशियल पीडीएफ किपर डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन रो फुल प्रोसेस एवं आसतु मुझे डेरी न कर डिटेल्स कहीदे तो फ्रेंड्स जदि आपसबू पोस्ट गुड़िक कहली 8 पोस्ट विषय से सब पोस्ट मध्य जेकोसी गोटे को जब इंटरेस्ट रखुं तो से पोस्ट को किपर आपेदन करेंगे ऑफिशियल पीडीएफ किपर डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन प्रोसेस कौन रही है आसतु मैं आपको कहबी से प्रथम आपज मोबाइल या गूगल को ओपन करेंगे यापर सिंपली सर्च बार टाइप करेंगे टाइप करेंगे ओडिशा स्पेस जॉब स्पेस आडा डॉट इन सिंपली टाइप करेंगे देखनी ओडिशा स्पेस जॉब स्पेस आडा डॉट इन तो आपको टी स्क्रोल करने पड़ ओजेए एवं ओडिशा जॉब्स आडा जहाँ भी आपर वेबसाइट लिंक रही आइकन मध्य रही शो हो तो सिंपली आपने क्लिक करेंगे क्लिक करूँ देखनी टी वेट करेंगे साइट जो अपलोड हो तो धीरे धीरे आपने तल को स्क्रोल डाउन करेंगे रिसेंट पोस्ट आपको नोटिफिकेशन टी देखापी मिलू देखनी प्रथम ही आपको ZSS जैक ओडिशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिक्रुटमेंट रही ऑफलाइन अप्लाई रही मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट पोस्ट यापर आपर असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर रही इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक रही ओडिशा अमीन पोस्ट रही
यापर आपको लोड मोर ऑप्शन टे देखा मिलूब देखनी तो जदि अधिक किसी जॉब ट्राए कर अप्लाय करने को डिटेल्स जानवाक तो लोड मोर ऑप्शन रे सिंपली आपने क्लिक करेंगे देखनी आपत क्लिक करेंगे आपर अन्न्य सब जॉब नोटिफिकेशन देखा मिली देखनी एस एस सी जेई आपर रिक्रुटमेंट रही 968 पोस्ट वैकेंसी रही जूनियर इंजीनियर पर तो आपर जब क्वालिफिकेशन रही डिटेल्स चेक करेंगे ओएस एस सी वी एडब्ल्यू रिक्रुटमेंट रही 12th पास जॉब रही आपर या सहित साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आपर रिक्रुटमेंट रही आपर ओडिशा डीओ पोस्ट रिक्रुटमेंट रही सैलरी आपने 25,000 पर मंथ पाइपर सैलरी या सहित ओ ए वी एस रिक्रुटमेंट रही यापर मैं आपको लोड मोर ऑप्शन यापर देखा मिल तो सिंपली आपने लोड मोर ऑप्शन रे क्लिक करेंगे यापर आपको देखनी नवोदय विद्यालय समिति आपको वीडियो फॉर्मेट रे जहाँ कही तो आपको नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस रिक्रुटमेंट आपको डिटेल्स देखा मिल ग्रुप सी पोस्ट रही सैलरी अफ्ट आपर 21,100 पर मंथ सैलरी पाइपारे तो फ्रेंड्स मुझमान को गोटे पोस्ट केवल डेमो देखे आपने किपर आवेदन करेंगे डिटेल्स चेक करेंगे तो देखनी सिंपली आपने ओडिशा अमीन पोस्ट रिक्रुटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 600 प्लस पोस्ट 12th पास जॉब्स तो सिंपली आपने ये जॉब नोटिफिकेशन पर क्लिक करूँ क्लिक करने आपने धीरे धीरे तौक स्क्रोलन करेंगे तो जहाँ भी अमीन पोस्ट में रिक्वेर रही डिटेल्स से सब मेनसन होने धीरे धीरे तौक स्क्रोलन करेंगे आपर पोस्ट नेम आपर जहाँ भी डिटेल्स क्वालिफिकेशन डिटेल्स कही तथापि आपत आवेदन करुँच तो भल भाव आपने चेक करने पोस्ट नेम कौन रही वैकेंसी डिटेल्स कौन रही आपर सैलरी सब कौन एज लिमिट क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस यापर आप्लिकेसन फीस कौन सब डॉक्यूमेंट आवश्यक रही इंपोर्टेंट डेट कौन रही इंपोर्टेंट नोट किपर आपदन करेंगे तो डिटेल्स आपर चेक करेंगे तो देखनी इंपोर्टेंट लिंक रही इंपोर्टेंट लिंक आपर शेष नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक देखा मिलत तो क्लिक क्यों सिंपली आपने क्लिक करेंगे यापर आपर ऑफिशियल पीडीएफ टी डाउनलोड हो एवं आपर जदि अनल आवेदन करने चाहूँ अप्लाई ऑनलाइन लिंक रही तो क्लिक करें सिंपली आपने क्लिक करेंगे तो देखनी जेहेतु आपर अप्लाई डेट टी 25 एप्रिल 2024 स्टार्ट हो स्टार्ट होना जिते भी आपर 25 एप्रिल 2024 स्टार्ट होप्लाई फुल प्रोसेस आपको कहबी जदि आपरेस्ट रखुंत अमीन पोस्ट में किपर आवेदन करेंगे चाहूँ जानापी तो कमेंट सेक्शन आपने कमेंट करूँ लास्ट डेट आपर 29 मे 2024 रही आपने सिंपली फुल बैक आसवे बैक आसवापर देखनी सरी फ्रेंड्स टी वेट करूँ बैक आसवापर पुनर्बार आपको यही किसी देखा तो यही आपर डिटेल्स जहाँ भी आपको पोस्ट नेम गुड़िक कहली चेक करने आपने ओएस एस सी एटीओ रही ओडिशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रही इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक रही तो सिंपली आपने पोस्टल पेमेंट बैंक क्लिक करापर आपने धीरे धीरे तौक स्क्रोल करेंगे आईपीपी बैंक तरफ जहाँ भी डिटेल्स रही चेक करने देखनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रपर पोस्ट नेम वैकेंसी डिटेल्स सब रही डिस्ट्रिक्ट व्वज आपर रही कंट्री व्वज तो एज लिमिट सैलरी कौन सिलेक्शन प्रोसेस तो आपको कही सारी आपर कौन सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर हो इंपोर्टेंट डेट तो देखनी 15 मार्च रु ऑलरेडी स्टार्ट हो सारे 5 एप्रिल सरी फ्रेंड्स 5 एप्रिल आपर लास्ट डेट रही जदि इंटरेस्ट रखुच्च फ्रेंड्स यथाशीघ्र आवेदन करनी शेष ऑनलाइन अप्लाई लिंक मिलजि एवं आपको पीडीएफ लिंक मिल जाव जहाँकि ऑफिशियल पीडीएफ रही तो आपने डाउनलोड कर चेक करेंगे तो देखनी आपको तो कहली डेमो कहली किपर आवेदन करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट आपर डाउनलोड करेंगे जदि फ्रेंड्स आपने किसी भी बुझी पार ना वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक देवी आपने से लिंक क्लिक कर चेक करने आपको लिंक देदेवी और टेलीग्राम ग्रुप आपको लिंक देवी आपने जॉइन हो ऑल डिटेल्स चेक करेंगे जदि फ्रेंड्स आपने किसी भी डाउट रखुं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ और जॉब नोटिफिकेशन पाइबा आम चैनल टी गोटे सब्सक्राइब करनी थैंक यू फ्रेंड्स जय जगन्नाथ।